हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2, और एक्सरसाइज 9.2 जो है वो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो आपको कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, जैसे ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इनके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी होगी। जैसे सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट 2, 3 दे रखे, तो x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, ऐसे कैसे इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, और फिर वो कहेगा कि एक पॉइंट पी है जो इन दोनों पॉइंट को एक सर्टेन रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट पी जो है वो m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट कहलाएगा इंटरनल सेक्शन। क्या कहलाएगा, इंटरनल सेक्शन। और अपन को अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब x फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है और y फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ये जो पॉइंट है, जो सेक्शन पॉइंट है, वो अगर इन दोनों के बीच में हो तो इसे कहेंगे इंटरनल सेक्शन। वो इन दोनों पॉइंट के इस तरफ या इस तरफ हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन। जैसे कि ये ए और बी थे, x1 y1 x2 y2, और ये पी पॉइंट है जो इसको m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और ये एक्सटर्नली क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, x, y। अब x और y निकालने के ये फॉर्मूले होंगे। ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के हूबहू सेम है, बस यहां पर प्लस प्लस की जगह यहां पर माइनस माइनस आ जाएंगे। आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, दो एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 जिस तरीके से सॉल्व करेंगे हूबहू वैसे वैसे आपकी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो इंटरनल सेक्शन पे बेस्ड है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक्सटर्नल सेक्शन पे बेस्ड है। तो अच्छे से समझना कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -2, 1 और 5, 4। तो -2, 1 एक पॉइंट है और 5, 4 दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जो कि ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 5, 4, इसका मतलब x2 की वैल्यू हो जाएगी 5 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में ये पॉइंट दे रखा है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लिखा हुआ है इंटरनली, इसका मतलब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। और रेशियो क्या दे रखा है, 2:3, तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। अपन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y, और x निकालने का फॉर्मूला लिख दिया, y निकालने का फॉर्मूला लिख दिया। पुट करते देखो, तो m1 की जगह m1 की वैल्यू कितनी है, 2, और x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2, अपॉन क्या कर देंगे, m1 प्लस m2, क्या कर देंगे, m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितने, 2 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 3 × -2 करेंगे तो कितना आएगा, -6, 10 और -6 कितना हो जाएगा, 4, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4 अपॉन 5 क्या होंगे, उस सेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब y निकालना है, y निकालने के लिए y का फॉर्मूला लिखते हैं, वही m1 m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 की वैल्यू कितनी है, 4, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, y1 की वैल्यू कितनी है, 1, और वही अपन को क्या करना है, 2 प्लस 3। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 5। ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, उस इंटरनल सेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल सेक्शन पॉइंट क्या है, 4, 5, पहले 4 अपॉन 5 वो एक्स का कोऑर्डिनेट और 11 अपॉन 5 वाई का कोऑर्डिनेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। सेकेंड जो क्वेश्चन है हूबहू सेम है, इसमें भी दो पॉइंट दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, लेकिन इस बार वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहले अपन ने दो पॉइंट लिख दिए, -4, 4 और 7, 2। ठीक है, तो -4, 4 पहला पॉइंट है, इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी है, -4, y1 की वैल्यू कितनी है, 4, x2 की वैल्यू कितनी है, 7, और y2 की वैल्यू कितनी है, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं,
m1 upon m2 या m1:m2 कितना दे रखा है, 4:7, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सटर्नल सेक्शन है तो एक्सटर्नल सेक्शन के फॉर्मूले लगा दिए, पुट करते हैं देखो। तो देखो हाँ, अगर आप में से किसी को वैसे ये पॉइंट शो करना डायग्राम में कोई जरूरी नहीं, फिर भी अगर ये पॉइंट इस तरफ करें या इस तरफ, तो देखो अगर पहला रेशियो कम है तो अपन को पॉइंट इस तरफ शो कर देना है, और पहला रेशियो ज्यादा है तो अपन को पॉइंट इस तरफ शो कर देना है, ठीक है। और अगर नई कंफ्यूजन हो तो डायग्राम बनाओ मत, कोई तकलीफ नहीं, आप बस ऐसे वैल्यू लिख लो। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 7, और x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, कितना है माइनस का 4 अपॉन m1 - m2 बोले तो 4 - 7, ठीक है। अब देखो 7 × 4 कितना होगा 28, और 7 × 4 कितना होगा ये भी 28, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 28 और 28 कितना हो जाएगा 56 अपॉन 4 - 7 कितना होगा 3 माइनस का, तो ये माइनस आगे जाएगा। अब वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो देखो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, देखो m2 की वैल्यू कितनी है 7, और y1 की वैल्यू कितनी है 4, ये पुट कर दी 4 अपॉन m1 - m2 बोले तो 4 - 7, 4 × 2 कितना हो गया 8, 7 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो 8 - 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, कितना आएगा माइनस का 20, और नीचे 4 - 7 कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 20/3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट क्या होगा, -56/3 और 20/3, ये एक्स का था तो पहले लिखा, वाई का बाद में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है जो अपने आगे दे रखा है, आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सॉल्व है, आप देख लेना उधर से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इन विच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3, -5 एंड बी -4, -7। देखो इस एग्जांपल से आप दो चीजें सीखोगे, पहली तो अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखे हो और रेशियो फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका आंसर है आपको जो रेशियो है वो k:1 मान लेना है। क्या मान लेना है, k:1 हमेशा ही। ऐसा क्यों करना है, अगर k:1 मानेंगे तो अपन को सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की, फिर अपन दूसरे की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आई 5/7, तो यहां k:1 क्या था 5/7:1, इस 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5:7। तो जिन जिन क्वेश्चन में अपन को रेशियो फाइंड करने होंगे उन उन क्वेश्चन में अपन रेशियो क्या मानेंगे, k:1, के m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इस तरीके से अपन करेंगे। एक चीज तो ये, दूसरा अब ऐसे क्वेश्चन में अपन को सिर्फ या तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना है या सिर्फ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूले से ही अपना आंसर निकल जाएगा, दोनों के फॉर्मूले लगाने की नीड नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा लगाएं, x का लगाएं या y का, तो आंसर है आप कोई भी लगा सकते हो जनरल केस में, अगर आपको दोनों की वैल्यू मालूम है तो। अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इन दोनों को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, कौन डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, 0, क्या होता है x, 0, ये अपन ने 9.1 में भी देखे थे। अगर वाई एक्सिस दे तो 0, y, और एक्स एक्सिस के दे तो x, 0, ओरिजिन दे तो 0, 0, तो या एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, 0। अब क्योंकि x की वैल्यू तो मालूम नहीं है, इसका मतलब x का आंसर x ही है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसमें मैं फॉर्मूले तो दोनों के लगा सकता था, लेकिन अगर x का फॉर्मूला लगूंगा तो उसमें x की जगह x ही रखूंगा तो सॉल्व कैसे करूंगा, लेकिन y की वैल्यू मालूम है कितनी 0, इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा y का। यही अगर अभी मेरे को ये क्वेश्चन देता कि इन दोनों पॉइंट को 2, 3 डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है 2, 3, तो x की वैल्यू कितनी होती 2 और y की वैल्यू कितनी होती 3, तो फिर मैं x का भी फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था,
वाई का लगा के बी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर रिपीट करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। अपन को फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो पहली चीज तो अपन को करनी है रेशियो, के रेशियो वन मान लेना है, एम वन की वैल्यू के, एम टू की वैल्यू वन हो जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनमें से एक्स और वाई दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन इस केस में अपन को यह दे रखा है, उस पॉइंट की जगह ऐसा दे रखा है कि वो एक्स एक्सिस डिवाइड कर दी, और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा जीरो होते हैं और ये वैल्यू तो मालूम नहीं, तो वाई की तो वैल्यू मालूम है ना कितनी है, जीरो। तो वाई का फॉर्मूला लगा है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू। जब आपको नहीं मालूम हो कि एक्सटर्नल डिवीजन है या इंटरनल डिवीजन है तो हमेशा इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एम वन की जगह के लिख दिया, y2 की जगह देखो 7 लिख दिया, m2 की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और y1 की जगह क्या लिख दिया -5, m1 plus m2 k plus 1, और y की वैल्यू कितनी है 0, 0 रख दी। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, k plus 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 7k minus 5, minus 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 5, तो 7k equal to 5, k equal to क्या हो जाएगा 5 upon 7। अब अगर ये k की वैल्यू ऐसी आती, सपोज करो k की वैल्यू आती 3, तो यहां पुट करता k रेशियो 1, k की वैल्यू 3 पुट करता 3 रेशियो 1 आंसर हो जाता। लेकिन यहां k की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 7, तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसको 1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना, तो क्या आंसर हो गया 5:7। क्या आ गया 5:7। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो रेशियो अपन निकाल रहे हैं अगर वो रेशियो में दोनों ही रेशियो के दोनों नंबर जो है वो प्लस के हो तब तो ये इंटरनल डिवीजन है, और अगर एक माइनस का आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। अब आप में से कोई सोच रहा होगा दोनों माइनस के आएंगे तो माइनस से तो माइनस कट हो जाएगा, तो फिर दोनों प्लस के ही होंगे। तो अगर एक नंबर माइनस का आ जाता है इन रेशियो वाले का तो वो एक्सटर्नल डिवीजन है, दोनों प्लस के आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल डिवीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक इसी पे बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार्ट करते हैं उसको। देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ओरिजिन ओ डिवाइड दीज पॉइंट इंटरनली बाय 1:3, मतलब ये प्रूफ करना है कि इन दो पॉइंट को ओरिजिन डिवाइड करता है, और किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:3 में। तो अभी और भी आगे क्वेश्चन, पहले इस हाफ को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका मतलब अपने दो पॉइंट दे रखे, ठीक है, और इनको कौन डिवाइड कर रहा है, ओरिजिन कर रहा है। मैंने बीच में क्यों लगा दिया, क्योंकि ये कह रहा है इंटरनली, तो बीच में कहीं पे भी पुट कर सकता हूं। अब क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। अपन ऐसा मान के चलेंगे कि अपन को रेशियो नहीं गिवन है और रेशियो निकालेंगे, और रेशियो का आंसर कितना आना चाहिए, 1:3 आना चाहिए। तो अपन को रेशियो नहीं गिवन है इसलिए अपन क्या करते हैं, रेशियो मान लेते हैं के रेशियो 1, एम वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, और एम टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू 0, तो चाहे तो आप x का फॉर्मूला लगाएं जैसा कि मैंने किया, और चाहे तो y का फॉर्मूला लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने x का लिया, इधर मैंने x वाला क्यों नहीं लिया था, क्योंकि x की वैल्यू मालूम नहीं थी, ठीक है, कोई एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो x का क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन एम वन प्लस एम टू, एक्स की जगह 0 रख दिया, एम वन की जगह क्या लिखा के, और एक्स टू की जगह क्या लिखा -3, एम टू की जगह क्या लिखा 1, और x1 की जगह क्या लिखा 1, और k प्लस 1, k प्लस 1 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, -3k प्लस 1, माइनस के 3 को इधर लिया है तो 3k प्लस का हो गया इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ये k की वैल्यू यहां पुट कर दे, k रेशियो 1, k की जगह 1/3, 3 को इधर लेके चले गए 1:3, और यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करने को कह रहा था कि आंसर कितना आएगा, 1:3। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल। अब मेरी बात सुनना, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ए बी एक्सटर्नली, ठीक है, इन द रेशियो 1:3। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में वो कह रहे हैं पॉइंट ये लेने ए और बी, ए मतलब 1, -3 और बी -3,9, तो बोले तो एक्स वन की वैल्यू 1 और वाई वन की वैल्यू -3, एक्स टू की वैल्यू -3 और वाई टू की वैल्यू 9, क्योंकि पॉइंट वो के वो है। अब जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करने, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 में किया था, अपन कोऑर्डिनेट ही फाइंड करते थे उस पॉइंट के। और रेशियो गिवन है अपन को, कितना गिवन है, 1:3, और साथ में ये भी दिया हुआ कि ये कौन सा है, एक्सटर्नली। तो अपन एक्स निकालने के लिए एक्स का एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला और वाई निकालने के लिए वाई का एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें बीच में क्या आते हैं, माइनस। वैल्यू पुट कर देंगे,
इसका आंसर आएगा 3x का और y का आंसर कितना आएगा -9। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा 3, -9। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इन विच रेशियो पॉइंट -2, 3 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 5 एंड 4, -9। दो पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, -3, 5 और 4, -9। ये तो वो पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, तो ये वैल्यू x1 की, ये y1 की, ये x2 की और y2 की। और जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जो सेक्शन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं -2, 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट -2, 3। और अपने फॉर्मूले में ये किससे मतलब अपन डिनोट करते हैं, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या फाइंड करने है, रेशियो। और जब भी रेशियो फाइंड करने होते तो अपन क्या मान लेते हैं, रेशियो क्या है, के रेशियो 1। तो m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू क्या होगी, 1। अब चाहे तो x का फॉर्मूला लगा लो चाहे y का, क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू मालूम है, किसी एक से काम चल जाएगा। मैं यहां y की वैल्यू यूज करता हूं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी, सॉल्व किया। देखो k प्लस 1 को इधर लिखे गए तो 3k प्लस 1, -9 को k से मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 9k, 5 × 1 = 5 हो गया। ठीक है, k को एक तरफ ले लिया और विदाउट के वाले को एक तरफ, सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई 1/6। तो k रेशियो 1, k की जगह 1/6, 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1:6। रेशियो कैसे आ रहे हैं, प्लस क्या आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा सेक्शन है, इंटरनल सेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट अपन लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना। इफ पॉइंट -1, 2 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये क्या है, सेक्शन पॉइंट दे रखा है -1, 2 और जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए जो है वो 2, 5 है और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं है, वो अपन को फाइंड करने, और रेशियो भी दे रखा है और ये भी दे रखा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बोले तो इसको समझो अच्छे से, ए और बी दो पॉइंट है, उसमें से ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, बी के अपन को फाइंड करने, इन दोनों को जो डिवाइड करेगा, जो सेक्शन करेगा, उस सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे और उसके रेशियो भी दे रखे और ये भी दे रखा है, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट पहले का x1 y1 क्या होगा, x1 y1 हो जाएगा ये, और जो दूसरे का जो होगा वो क्या होगा, x2 y2। हालांकि मुझे x2 y2 की वैल्यू नहीं मालूम तो मैं x2 y2 को ऐसे ही लिख देता हूं। जो सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, x और y की। रेशियो जो दे रखा होता है वो किसकी होती है, m1 और m2 की। एक बार मैं x की वैल्यू, x का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार y का, x का लगाता हूं। देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, -1, ये लिख दी। m1 की वैल्यू कितनी है, 3, ये यहां नोट कर दी। x2 की वैल्यू मालूम ही नहीं तो x2 यहां ऐसे कैसे, m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, m1 प्लस m2 इन दोनों कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखो, -1 की जगह -1, 3 × x2 करेंगे 3x2, 4 × 2 करेंगे तो 8, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 7, 3x2 + 8, 8 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, -15। इस 3 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे कितना आ जाएगा, -5। तो x2 इक्वल टू कितना आ गया, -5। एक अगर अपन को b के कोऑर्डिनेट निकालने तो बेसिकली अपन को किस किस की वैल्यू निकालनी है, x2 की भी निकालनी है, y2 की जो वैल्यू आएगी पुट कर देंगे तो x2 तो निकल गया। अब y2 निकालते हैं, y2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y इक्वल टू क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y की जगह y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दी। m1 m2 सब की वैल्यू पुट कर देंगे, y2 की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो देखो y की जगह 2, m1 की जगह 3, y2 की वैल्यू है नहीं, m2 की जगह 4, y1 की वैल्यू 5, m1 प्लस m2 3 + 4। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, -2। कितना आ गया, -2। तो जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, X का तो आंसर आया था -5 और Y का आंसर आया था -2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5, -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 6 9.2 का। फाइंड इन विच रेशियो लाइन x + y = 4 डिवाइड दीज पॉइंट। तो देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, -1, 1 और 5, 7। तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। कोई प्रॉब्लम नहीं।
अपन को ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसको एक लाइन डिवाइड कर दी, तो ये एक लाइन डिवाइड कर दी, ये अपन लाइन बना दी। लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। अब एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एक्स 0 हो सकता है, वाई 4 हो सकता है, एक्स 1 हो सकता है, वाई 3 हो सकता है, एक्स 2 हो सकता है, वाई 2 हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इसी लाइन पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट की तो एक फिक्स वैल्यू होगी, और वो पॉइंट जो होगा वो इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये किस में इंटरसेक्ट कर रहा है वो अपन को निकालना है। तो अपन को बेसिकली रेशियो नहीं दिए हैं, रेशियो अपन को फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो नहीं दे रखे होते तो अपन क्या करते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम 1 की वैल्यू हो जाएगी के, और एम 2 वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर इससे मैं एक्स और वाई के फॉर्मूले यूज करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स और वाई के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो निकालता हूं, एक्स इक्वल टू एम 1 एक्स 2 प्लस एम 2 एक्स 1 अपॉन एम 1 एम 1 प्लस एम 2। एम 1 और एम 2 की वैल्यू क्या है, एम 1 की है के, एम 2 की क्या है 1, और एक्स 1 और एक्स 2 की वैल्यू क्या है, एक्स 1 की है -1 और एक्स 2 की है 5। पुट किया तो ये सॉल्व हो गया, 5k -1 अपॉन k+1। इससे आगे मैं कर नहीं सकता कुछ, ऐसे कैसे वाई की भी निकाल लेंगे तो उसका आएगा 7k+1 अपॉन k+1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो एक्स और वाई का आंसर है जो कि ये कुछ है, ठीक है, ये वाले पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे, और लाइन का कोई भी पॉइंट, मतलब इस लाइन पे अगर किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट अगर इसमें पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। जैसे अपन ग्राफ पेपर बनाते थे, सपोज करो कि ये ग्राफ पेपर पे 3 पॉइंट थे, और मान लो कि ये ग्राफ पेपर की एक इक्वेशन दे रखी थी, तो इन तीनों पॉइंट में से अगर किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करता तो आंसर क्या आता, वो आता इक्वेशन सेटिस्फाई होती। इसका मतलब ये एक्स और वाई के मेरे आंसर ये आ रहे हैं। अगर ये आंसर इस इक्वेशन में एक्स की जगह और वाई की जगह पुट करूं तो इनका इक्वल कितना आएगा, 4 आएगा, ये तो फिक्स है। तो मैं ये दोनों वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है, तो इसमें एक्स की जगह लिख दूंगा 5k-1 अपॉन k+1, और वाई की जगह लिख दूंगा 7k+1 अपॉन k+1, और पुट करने पर इक्वल में कितना है 4, और इसको सॉल्व करके मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे के निकलेगा तो मेरे रेशियो निकल जाएंगे, रेशियो मेरे को फाइंड करने। तो करते देखो, ये रख दिए, एलसीएम ले लिया, k+1 एलसीएम आ गया, ये ऊपर वाला ऐसे कैसे, 7k+1 ऐसे कैसे, 5k और 7k कितना हो गया 12k, -1 और +1 कट गया, नीचे क्या रहा k+1, 4 की जगह 4 नीचे 1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 1 को 12 से कराया तो 12k, k को 4 से कराया तो 4k, 1 को 4 से कराया तो 4, k वालों को एक तरफ ले लिया तो 12 में से 4k माइनस हुआ तो कितना रह गया 8k, और ये क्या आ गया 4, तो k इक्वल टू क्या हो गया 4/8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, k की वैल्यू हाफ आई, रेशियो अपने क्या थे, k:1, तो जहां k है वहां पर अपन क्या पुट कर देंगे, 1/2, और 1 की जगह 1 इधर भेज देंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो 1:2 में ये लाइन क्या करेगी, डिवाइड। एक और चीज, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन अब आपके पास वैल्यू है किसकी, k की, तो k की वैल्यू पुट करके यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे 5k-1 अपॉन k+1, ये किस की वैल्यू थी, इस वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की थी। अब मेरे पास k की वैल्यू है कितनी है, हाफ है, तो यहां पर k की जगह पुट कर दूं तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, ये क्या आ जाएगा, 5/2-1 अपॉन 1/2+1। इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करता हूं, देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 5-2 अपॉन इधर भी 2 एलसीएम आ जाएगा, 1+2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/2, और नीचे भी कितना हो रहा है 3/2, तो कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऐसे कैसे मैं y की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, इस क्वेश्चन में नहीं निकालनी, अगर निकालने को कहे तो वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से अपन ने 9.2 एक्सरसाइज जो है उसके सारे एग्जाम्पल और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए, साथ ही में अपन ने सेक्शन फॉर्मूला बोले तो एक्सटर्नल सेक्शन और इंटरनल सेक्शन के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी फाइंड किए, साथ में अपन ने ये भी देखा कि अगर कभी रेशियो नहीं गिवन होते तो अपन को क्या करना चाहिए, तो उस समय अपन को रेशियो k:1 मान लेना चाहिए और फिर वैल्यू निकाल लेनी चाहिए k की वैल्यू यहां पे पुट करके फिर रेशियो निकाल लेना चाहिए। अगर ये रेशियो में से एक पॉइंट भी नेगेटिव में आता है या k की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो
वो जो आंसर होगा वो एक्सटर्नल सेक्शन का होगा, अगर पॉजिटिव में आता है तो इंटरनल सेक्शन का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इन सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन और साथ ही साथ में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।